आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। सिरोही जिले के बासा का बांध हुआ ओवरफ्लो, प्रदर्शनकारियों की मांगे मानी, धरना समाप्त। छात्र संघ चुनाव की सरगर्मी परवान चढ़ी, प्रशासन की अनदेखी, राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ी घटना से हो रहे हैं हादसे। बाबा रामदेव पैदल छात्रों का दल हुआ रवाना, श्रमवीरों के श्रमदान से छब्बा बावड़ी हुई स्वच्छ। मंदिर परिसर में किया पौधारोपण, नशे की धुत युवकों ने की गाली गलौज, मना करने पर मारपीट की। दादी प्रकाशमणि अंतर्राष्ट्रीय मैराथन को मिली अंतर्राष्ट्रीय मैराथन संघ की मान्यता। पलक कुसुम ने जीता गोल्ड मेडल और स्वच्छता के साथ दिया पर्यावरण जागरूकता का संदेश। अब समाचार विस्तार से। सिरोही जिले के वासा का बांध हुआ ओवरफ्लो, स्वरूपगंज से माधुराम प्रजापति की रिपोर्ट के अनुसार। स्वरूपगंज सिंचाई विभाग सहायक अभियंता ललित मोहन दादीश ने बताया कि रोहिड़ा थाना क्षेत्र का वासा बांध ओवरफ्लो हो गया है। उन्होंने बताया कि वासा बांध की भराव क्षमता 8 फीट है। बांध ओवरफ्लो होने से किसानों के कुओं में जल स्तर बढ़ेगा, वहीं बांध ओवरफ्लो होने से किसानों में खुशी की लहर है। प्रदर्शनकारियों की मांगे मानी, धरना समाप्त। सिरोही से भारती चौहान की रिपोर्ट के अनुसार उत्मन टोल नाका के अधिकारियों व विधायक स्वयं लोड़ा के बीच हुई वार्ता के बाद प्रदर्शनकारियों की मांगे मानने के बाद धरना समाप्त हो गया। वार्ता के दौरान सहमति बनी कि सड़के के दोनों तरफ अब चार पहिया गाड़ी की सर्विस रोड बनेगा, एम्बुलेंस एवं अग्निशमन के आने जाने वाले लिए खास गार्ड रखे जाएंगे, दो पहिया वाहन लेन को 5 फीट किया जाएगा तथा 15 दिन में पिंडवाड़ा से शिवगंज तक के सारे गड्ढे भर दिए जाएंगे। अगले 4 महीने में पूरे पिंडवाड़ा से शिवगंज तक के रोड पर डामर ले किया जाएगा। सिरोही तहसील, शिवगंज तहसील व सुमेरपुर नगर पालिका के सभी चार पहिया निजी वाहन सिर्फ 1 रुपए में जाएंगे। वहीं 1 रुपए का पास बनाने के लिए 29, 30, 31 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक स्पेशल कैंप लगाया जाएगा। सम्मान्य SP साहब, NHI के संभाग के प्रभारी मिश्रा जी, स्थानीय टोल कंपनी जो अब ओवरसीज कंपनी ने टेक ओवर किया, उसके हेड शुक्ला जी और संजय मारवाड़ी जी, सारे मुद्दों पर बहुत विस्तार से बात हुई। ये सड़क पहले एलेंटिंग कंपनी ने बनाया था और अपन सबकी जानकारी में नहीं था कि एलेंटिंग कंपनी ने 9 मई 2018 को इसको मल्टीनेशनल कंपनी को बेच दिया और अब इसमें L&T कंपनी की सिर्फ 15% भागीदारी है। चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड L&T कंपनी के वक्त भी ये शुक्ला जी थे, तो 2 साल तक के उनके एग्रीमेंट में प्रोविज़न है, उसके मुताबिक मल्टीनेशनल कंपनी ने ये टोल टेक ओवर किया, उसके बाद भी हेड ये कर रहे हैं। बहुत विस्तार से बातचीत करने के बाद में जिन बातों पर सहमति हुई है वो मैं आपको निवेदन करता हूँ। सर्विस लेन के दोनों तरफ स्थानीय वाहनों, चार पहिया छोटी गाड़ियां और दूसरी छोटी गाड़ियों के लिए दोनों तरफ सर्विस लेन बनाएंगे 6 महीने के अंदर अंदर। एम्बुलेंस अग्निशमन वाहन निकलने में जो कठिनाई आती है उसके लिए अलग से गार्ड की व्यवस्था करेंगे, जिससे एम्बुलेंस और अग्निशमन वाहन को बिल्कुल रुकना नहीं पड़े। दुपहिया वाहन जिसमें अपन देख रहे थे जगह कम थी, कई बार अपने पीछे कोई भाभी बैठी हुई है तो उसकी टांग अड़ जाती थी, हाथ अड़ जाता था, तो ये दुपहिया वाहन लेन को 5 फीट का करेंगे। पशु एम्बुलेंस की बात के लिए आप जो है NHI के हेड मिश्रा जी बात करके इनकी कंपनी के मालिक से बताएंगे। और पोसालिया पुल पर और ये बारवड़ा और ग्रामीण क्षेत्र के पुल पर जो ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉब्लम है वो काम इन्होंने कंसल्टेंट को सौंप दिया है। छात्र संघ चुनाव की सरगर्मी परवान पर चढ़ी। सिरोही से भारती चौहान की रिपोर्ट के अनुसार सिरोही जिला कलेक्टर पर प्राचार्यों के निर्देशन के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिरोही ने आगामी छात्र संघ चुनाव 2019 के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा की। जिला संयोजक शक्तिपाल सिंह काबावत व राणा प्रवीण सिंह पोसलिया के अनुसार सिरोही PG कॉलेज अध्यक्ष पद बलवंत देवासी, सिरोही लॉ कॉलेज अध्यक्ष पद प्रफुल्ल माली, उपाध्यक्ष ट्विंकल अग्रवाल, महासचिव धीरज प्रजापत, महिला कॉलेज सिरोही अध्यक्ष पूजा राजपुरोहित,
पीजी कॉलेज आबूरोड अध्यक्ष मुकेश चौधरी प्रत्याशी होंगे। वहीं एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष राव सुरेश सिंह चांदना के अनुसार सिरोही महाविद्यालय अध्यक्ष प्रत्याशी देवेंद्र सिंह चौहान, शिवगंज में अध्यक्ष प्रत्याशी कृष्णपाल सिंह व आबूरोड में दिम्मी परमार प्रत्याशी होंगे। हॉकी खिलाड़ी अभिषेक ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की ताक ठोकी है। प्रशासन की अनदेखी, राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़े गड्ढे से हो रहे हैं हादसे। पिंडवाड़ा से राकेश रावल की रिपोर्ट के अनुसार पिंडवाड़ा से स्वरूपगंज जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर नेशनल हाईवे नंबर 14 पर लोगों को टैक्स देने के बावजूद भी अपने रिस्क पर सफर करने को विवश हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर खतरनाक गड्ढे हो रहे हैं जो जानलेवा साबित हो चुके हैं। गड्ढे से बचने के फेर में आए दिन इस राजमार्ग पर वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, लेकिन लोगों की जान की परवाह न तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI को है और न टोल वसूल करने वाली कंपनी को। सिरोही रोड कैलाश नगर से मौलेरा टोल नाका करीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क पर छोटे से लेकर बड़े वाहन चालकों को संभाल कर चलना पड़ रहा है। यहाँ से केंद्र व राज्य लेवल के मंत्री निकलते हैं, लेकिन वे भी अनदेखा कर रहे हैं। कैलाश नगर ग्राम पर सड़क व बड़े बड़े गड्ढे करीबन 2-3 फुट गहरे तथा 7 से 12 फुट चौड़े हैं। 3 दिन में करीबन 17 छोटे बड़े हादसे हो चुके हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन को कई बार अवगत करवाने के बावजूद भी लापरवाही बढ़ती जा रही है, जिससे रात को अचानक ट्रक चालकों को ब्रेक लगाने के दौरान पीछे से आने वाले वाहन के टकराने से कई बार हादसे हो चुके हैं। अरे हम नेशनल हाईवे पे कैलाश नगर गांव के वहाँ पुलिया है, यहाँ पर इतने खड्डे हो गए हैं जिसके अभी अभी 10 मिनट पहले एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। जनहानि हुई नहीं है, लेकिन होते होते बच गई है। पिंगवाड़ा अहमदाबाद नेशनल हाईवे 14 यहाँ पर कैलाश नगर के यहाँ पर भयंकर खड्डे खड़े हैं। अभी 10 मिनट पहले एक्सीडेंट हुआ है और प्रशासन मौन धारण करके बैठा हुआ है। प्रशासन बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रहा है और टोल वसूलने में लगा हुआ है। दल हुआ रवाना आबूरोड से लेके अहमद की रिपोर्ट के अनुसार जूनी खराड़ी के बाबा रामदेव मंदिर से जातरों का पैदल जत्था रवाना हुआ। पैदल जा रहे 7 जातरों का शिवसेना नगर प्रमुख लालाराम खारवाल, दीवाराम मेघवाल, उमा शंकर दादरिया, सुरेश दादरिया, बाबूलाल अंबाराई बासी में माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। आबूरोड में जूनी खराड़ी से विनोद कुमार, हितेश कुमार, सतीश कुमार, प्रवीण कुमार, हिम्मत कुमार राणा, गौतम कुमार, दीपक सिंह सहित शामिल हैं, जो 10 दिन में बाबा रामदेव के दरबार में पहुंचेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। शानदार सुनहरा मौका शिवम मार्केट लाए हैं प्राइम लोकेशन पर शानदार व्यवसायिक भूखंड मात्र 1,25,000 रुपए में। 12x40 की शानदार दुकानों के लिए 40 फीट चौड़े रास्ते के साथ दुकानों के पीछे 6 फीट की खाई जगह। व्यवसाय भूखंडों का प्लान धवला मेन रोड 3rd फेज रिको इंडस्ट्रीज एरिया रोड पर। एवं भूखंड खरीदने के लिए संपर्क करें मोहन चिवड़ा, मोबाइल नंबर 9460290995, 9983135895। शिवम मार्केट 3rd फेज रिको इंडस्ट्रीज एरिया के पीछे धवला रोड जालो राजस्थान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। श्रम वीरों के श्रम दान से छगवा पावड़ी हुई स्वच्छ। सिरोही से विजय प्रकाश वैष्णव की रिपोर्ट के अनुसार श्री साईनाथ सेवा संस्थान की टीम द्वारा स्वच्छ जल स्वस्थ हम अभियान में बरसाती मौसम के तहत स्वच्छ जल बावड़ियों में आ सके, इसके लिए बावड़ियों की साफ सफाई का कार्य अनवरत जारी है। इसी क्रम में झूपा घाट स्थित अति प्राचीन श्री शानेश्वर महादेव मंदिर के साथ लगी छगवा बावड़ी को प्रथम चरण के श्रम दान से ही जल सहित पूर्णतया स्वच्छ किया गया। बावड़ी व उसके आसपास जगह जगह सांपों के बिल व उगी बरसाती झाड़ियों में श्रमवीरों ने साफ किया। विजय त्रिवेदी ने बताया कि बावड़ी के पास टंकी व ओड़ा बना हुआ है, जिसमें पूर्व में झूपा घाट के रहवासी बावड़ी का जल नहाने, पीने, कपड़े धोने इत्यादि के काम में लेते थे। फिलहाल वह ढकी हुई है। बावड़ी काफी गहरी है, परंतु जर्जर हो चुकी है। कोई अप्रिय घटना न घटे इस हेतु प्रशासन द्वारा इसकी सुध लेनी अति आवश्यक है। मंदिर परिसर में किया पौधारोपण। सिरोही से जितेंद्र सिंह जोधा की रिपोर्ट के अनुसार कालंद्री कस्बे में हरियालो राजस्थान के तहत नेहरू युवा केंद्र सिरोही भारत सरकार के तत्वाधान में युवा समन्वयक राजेश चौधरी के दिशा निर्देश पर नेहरू युवा मंडल कालंद्री द्वारा भटियाणी माताजी मंदिर परिसर में युवा मंडल अध्यक्ष नटवर सिंह ने नेतृत्व कर पौधारोपण किया। इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह गहलोत व महिला अध्यक्ष मीना भाटी सेन
मदन सेन, कर्ण सिंह, संजय सिंह की उपस्थिति में पर्यावरण शुद्धिकरण के लिए पौधे रोपे गए। नशे में धुत युवकों ने की गाली गलौज, मना करने पर की मारपीट। आबू रोड से लेख अहमद की रिपोर्ट के अनुसार शहर में कानून व्यवस्था पर आए दिन सवाल उठ रहे हैं। पुलिस का खौफ अपराधियों में से निकल रहा है। शहर का मुख्य चौराहा हो या मुख्य बाजार, शराबियों सहित आपराधिक तत्वों द्वारा बेखौफ उत्पात मचाकर आम नागरिकों के साथ मारपीट की जा रही है। उत्पातियों के खौफ से पुलिस के खिलाफ जन आक्रोश पनप रहा है। इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन चुप्पी साधे बैठा हुआ है। गत रात्रि को शहर के अंबाजी मुख्य चौराहे पर 8 से 10 शराबियों ने उत्पात मचाया। सामान खरीद रहे लोगों के साथ गाली गलौज करते हुए, लाठियां लहराते हुए मारपीट की। वहीं बीच बचाव करने आए अन्य लोगों के साथ भी मारपीट की करते रहे। घटना की सूचना मिलने के बाद भी करीबन 1 घंटे के बाद शहर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं शहर इको तथा तलहटी पुलिस मौके पर पहुंची। समाचार लिखे जाने तक पुलिस 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं बाकी की तलाश जारी है। दादी प्रकाश मणि अंतर्राष्ट्रीय मैराथन को अंतर्राष्ट्रीय मैराथन संघ की मिली मान्यता। आबू रोड से लेख अहमद की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मैराथन संघ ने 19 अगस्त को सुबह 6 बजे मन मोहिनी पार्क आबू रोड से शुरू होकर आबू पर्वत पांडव भवन में समाप्त होगी। मैराथन को अंतर्राष्ट्रीय मैराथन संघ द्वारा मान्यता दे दी गई है। इस तरह से यह अंतर्राष्ट्रीय मैराथन देश की 8 मैराथन में शुमार हो गया। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मैराथन संघ के अध्यक्ष पाको बोराओ ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान को सदस्यता का सर्टिफिकेट भेजकर सम्मानित करते हुए बधाई दी। यह मैराथन भारत में आयोजित की जाने वाली 8 अंतर्राष्ट्रीय मैराथन में शुमार हो गया है। सदस्यता की वैधता 2 साल की है। यह विश्व की पहली मैराथन है जिसमें धावकों का बिना फीसी रजिस्ट्रेशन होता है, उनके कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। यह मैराथन कई मायनों में दुनिया में होने वाली अन्य मैराथन से अलग एवं ऐतिहासिक है। अंतर्राष्ट्रीय मैराथन के सभी मापदंडों पूरा करने की शर्तों पर खरा उतरने में सफलता हासिल की है। यह सिरोही जिले समेत पूरे प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है। बंदरू मन मोहिनी के प्रारंभ होकर मैराथन पांडव भवन माउंट आबू में समाप्त होगी। इसके लिए दौड़ के समय यह करीब 2 घंटे के लिए यातायात व्यवस्था बंद रहेगी। फलक कुसुम ने जीता गोल्ड मेडल। आबू रोड से लेख अहमद की रिपोर्ट के अनुसार रॉयल राजस्थान पब्लिक स्कूल आबू रोड की छात्रा फलक कुसुम ने ओपन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप 8 वर्ष आयु वर्ग में काटे के गोल्ड व कुमिटे में ब्रांज पदक प्राप्त किया। यह प्रतियोगिता तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसमें विद्यालय की कक्षा चतुर्थी की छात्रा फलक कुसुम ने अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए गोल्ड व ब्रांज मेडल अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही छात्रा ने कराटे में ब्लैक बेल्ट भी प्राप्त किया। छात्रा फलक कुसुम निरंतर विद्यालय में कराटे प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थी तथा पूर्व में भी कई कराटे प्रतियोगिता में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सफलता प्राप्त की है। इस अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन दीपक पाठक ने छात्रा की प्रशंसा करते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यालय के प्रिंसिपल जयसिंह राजपूत ने छात्रा की उपलब्धि को सच्ची लगन एवं सतत प्रयास का परिणाम बताया तथा उन्होंने कहा कि छात्रा के विद्यालय का नाम गौरवान्वित करते हुए एक मिसाल कायम हुई है। स्वच्छता के साथ दिया पर्यावरण जागरूकता का संदेश। शिवगंज से अशोक मालिक की रिपोर्ट के अनुसार एक व्यक्ति एक पौधा मिशन शिवगंज के अंतर्गत सार्वजनिक पुस्तकालय परिसर में सफाई का पौधारोपण किया गया। पर्यावरण प्रेमी ओम प्रकाश कुमावत एवं उनकी टीम ने पुस्तकालय परिसर की सफाई एवं स्वच्छता कर पौधारोपण पर पर्यावरण जागरूकता का संदेश दिया। इसी अवसर पर प्रधानाचार्य जब्बर सिंह राव, समाज सेवी राजेंद्र सोलंकी, सोम प्रसाद साहित, महेंद्र मीणा ने पर्यावरण पर अपने विचार व्यक्त किए। इसी अवसर पर अमृत परिहार, राजेश कुमार, पोकर कुमावत, पुष्पेंद्र सिंह, दुगेश सिंह, नरेंद्र मीणा, कपूराराम मीणा सहित पर्यावरण प्रेमियों का सहयोग रहा। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार सिरोही शहर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय सिरोही।